नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित, एस्ट्रोलॉजर। अभी मैं आपको जो है लाइव मार्केट का क्या टारगेट रह सकता है, निफ्टी निफ्टी बैंक के बारे में जानकारी दे रही हूं, जिसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित, एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे आपका 6 जुलाई का मार्केट कैसा रहेगा, यानी कल बुधवार के दिन का मार्केट कैसा रह सकता है और क्या स्थिति बनेगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। और राशिफल क्या रहेगा इसके बारे में बतलाऊंगी। जैसा कि कल आपको बतलाया गया था मार्केट की स्थिति के बारे में, कि अप डाउन और बीच में हमें जो है कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी 10 बजे के बाद से, तो यहाँ पर हमें बराबर तेज़ी देखने को मिलेगी और मिली, और इसके साथ डाउन की स्थिति लास्ट में बतलाई गई थी, तो आपका मार्केट डाउन हुआ। और अब हम देखेंगे कि कैसा आपका मार्केट रहेगा, क्या स्थिति बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने बहुत से लोगों के कहने पर कि आप कभी कभी रेंज का जो लेवल रहता है वह भी आप वीडियो बना करके लाइव मार्केट में डालें, तो वह मैंने आज सुबह आप लोगों के लिए दिया था। उसी प्रकार से आपके मार्केट ने काम किया, उस वीडियो का जो शॉर्ट वीडियो है वह भी इस वीडियो में मैं आपको जोड़ दूँगी, वह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ज्योतिष की गणनाएँ सत्य निकलती हैं। अब ईश्वर हम भी नहीं हैं, कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक मेहनत करके इसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका राशिफल और कल का मार्केट रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए, और आप हमारे कार्यालय से गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल आदि का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि कल का पंचांग क्या कहता है, क्योंकि हमारा जो कार है, हमारे नवग्रह और माँ सरस्वती भगवान श्री गणेश की कृपा है से ही सिद्ध होते हैं। और अब हम देखेंगे पंचांग किस प्रकार का है। कल बुधवार का दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा 11:43 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और कन्या राशि का प्रभाव कल पूरे दिन रहेगा। तो इन सब, और कल पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य का जो है प्रवेश हो रहा है, तो यह भी मार्केट को किसी भी दिशा में ले जा सकता है, तो यह बात विशेष ध्यान में रखें। यदि ग्रह योग अति उचित बन जाता है तो अचानक अच्छी मार्केट में तेज़ी भी देखी जा सकती है, तो यह बात थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आपका राशिफल है कल के लिए, क्योंकि बहुत से लोग राशिफल के अनुसार ही काम करते हैं। तो कल जो है मेष राशि वालों के लिए हानि का योग है, काम ना करें तो बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ का योग बना हुआ है, काम करके आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि का मिश्रित योग है, तो लाभ मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाएं। अगली राशि आती है आपकी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी लाभ का योग बना हुआ है। और इसके बाद आती है आपकी सिंह राशि वालों के लिए, जो है लाभ का योग बना हुआ है, आपको भी काम करके लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए हानि का योग बना हुआ है, काम ना करें तो बेहतर रहेगा। तुला राशि वालों के लिए भी कल पूर्ण हानि का योग बना हुआ है, सावधानी पूर्वक करें या ना करें तो बेहतर रहेगा, या काम करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है पूर्ण लाभ का योग है, काम करके लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए भी लाभ का योग बना हुआ है। मकर राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग बना हुआ है, आपको भी लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि का मिश्रित योग है, तो सावधानी रखें, लाभ मिलते ही मार्केट से बाहर हो सकते हैं। इसके बाद अगली राशि आती है आपकी मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग बना हुआ है, काम करके आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से यह मैंने आपको राशिफल बतलाया है। यह राशिफल आप अपने चालू नाम की राशि, जन्म नाम की राशि से देख सकते हैं, लेकिन हमें सूक्ष्म प्रेडिक्शन जो रहता है अपनी जन्म कुंडली की से ही करवाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मार्केट में क्या स्थिति बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा मार्केट को मैंने बतलाया था, आज सुबह एक वीडियो क्लिप दिया था मैंने 15 सेकेंड का, और वह पूरी तरह जो टारगेट दिया था, रेंज दी गई थी आपको, क्योंकि बहुत से लोग रेंज देते हैं, तो मैंने सोचा कि जब क्लाइंटों को देते हैं तो क्यों ना आपको भी दी जाए, देखने के लिए कि कितना सही है कितना गलत है। तो जी हाँ दोस्तों, जो आपका मार्केट ओपन हुआ था आज 15,909 पे ओपन हुआ था। इसके बाद
आपका जो आज हाई गया था 16,926 था और लो गया था आपका 15,810। अब देखिए कि किस प्रकार से टारगेट ने पॉइंट टू पॉइंट छुआ। तो सबसे पहले जो मैंने आज बतलाया था कि हाई रेंज में जो जा सकता है आपका 16,060 जा सकता है, यदि 16,060 क्रैश होता है तो इसके बाद 16,175 तक आपका मार्केट जा सकता है। लेकिन यदि यहाँ 16,060 नहीं क्रॉस करता है तो आपका मार्केट पुनः डाउन में जा कर के 15,810 के रेंज को पुनः डाउन में छुएगा। तो बिल्कुल यह आंकड़ा जो है आपके और आपकी जो मार्केट चला उससे एकदम एक सा परफेक्ट आंकड़ा जो निकला। तो इस प्रकार से निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए दिया गया था 34,360 दिया था और जो हाई का रेंज था निफ्टी का आज 34,370 दिया निकला था। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जो ग्रह के द्वारा गणनाएं निकाली जाती हैं वह इस प्रकार से सटीक साबित होती हैं। तो आप भी कार्यालय से इस प्रकार की प्रेडिक्शन ले सकते हैं, टारगेट जान सकते हैं, कब तेजी कब मंदी के योग हैं यह भी जान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कल का आपके लिए टारगेट और क्या एस्ट्रोलॉजी के बेस पे क्या कल का मार्केट रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो कल का मार्केट है इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो जो आपका मार्केट है कल अप डाउन की स्थिति में 9 से लेकर के 12 बजे तक चलता रहेगा। इसके बाद जो है यदि 12 बजे के बाद यहाँ से लेकर के हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से है कल आपका मार्केट चल सकता है, पर कल ग्रहों के परिवर्तन ज़्यादा हैं इसलिए सावधानी पूर्वक सोच विचार कर ही काम करें। और कल का रेंज रह सकता है निफ्टी में 120 से लेकर के लगभग 180 पॉइंट के बीच में कार्य के योग बन रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। जो लोग भी कमेंट्स में लिखते हैं आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।